बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम मुरली, अब देखना शुरू कर चुका हूं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि आज भारतीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज के दिन महिलाओं की सशक्ति या उनके उन्नति को लेकर विचार गोष्ठियां की जाती है, उनके बारे में बातचीत कर दी जाती है। लेकिन भारत के अंदर सबसे पहले महिला उन्नति का जो प्रकृति का पथ है या महिलाओं के बारे में सोचने का कार्य या उनको अधिकार दिलाने का जो मामला है वो ज्योतिबा फुले जी से शुरू होता है और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनको अमलीजामा पहनाया। हालांकि उनसे पहले भी थे, लेकिन ज्योतिबा फुले से महान शख्सियत थे जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को अपने साथ रखकर उसको शिक्षा ग्रहण करवाई और उन्होंने विद्यालय पढ़ाया, स्कूल खोलने का काम किया, यानी महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने तक की उन्होंने कोशिश की, हर वो संभव कोशिश की जिसमें उनको ऐसा लगा कि महिलाएं भी पढ़ लिख कर कुछ आगे कर सकती है। हालांकि आपको बता दें कि इन तमाम चीजों को अमलीजामा पहनाने का जो माननीय साहब का ज्योतिबा फुले साहब का जो कारवा धुरा छूट गया था वो बाबा साहब अंबेडकर जी ने पूरा किया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने मंत्री पद भी हिंदू कोड बिल यानी महिलाओं को आजादी दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल के तत्वदान के अंदर जो उनका बिल पास किया गया था उसके समर्थन के अंदर उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया था। कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो चुके थे, केवल मात्र इसलिए कि महिलाओं को अधिकार मिल जाए। आपको बता दें कि बाबा साहब अंबेडकर ही पहले ऐसे शख्स थे भारत के अंदर जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। आपको बता दें कि कानूनी तौर पर जिस समय अमलीजामा पहनाने की जरूरत थी या भारत के अंदर महिलाओं को आजादी देने की बात थी, उस आजादी को सही मायने में कानून में पिरोने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने महिलाओं के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कही जो उन्हें हमें आज भी प्रेरणा स्रोत माननी चाहिए। आपको बता दें बाबा साहब अंबेडकर एक बात कहते थे कि भारत के अंदर जिस तरीके से जाति व्यवस्था है और उसके अंदर शूद्रों का जो स्थान है जहां पर प्रताड़ित किया जाता है या शूद्रों को जिस तरीके से मारा जाता पीटा जाता है, उसी तरीके से चाहे महिलाएं किसी भी समाज की क्यों ना हो उनके साथ भी इसी तरीके का घृणित भेदभाव होता है, चाहे वो समाज जनरल समाज की हो चाहे वो किसी और समाज की हो, तमाम महिलाओं के साथ वो चाहे किसी धर्म जाति धर्म मजहब की क्यों ना हो उनके साथ इसी तरीके का दुर्व्यवहार होता है। जबकि बाबा साहब ने यह भी कहा था कि 50% आबादी है वो महिलाओं की, उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए। आपको बता दें कि बाबा साहब अंबेडकर जी के महिलाओं के ऊपर विचार क्या थे, हिंदू कोड बिल उन्होंने पारित करवाया ये अलग एक मुद्दा था और इस मुद्दे पर कभी और बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बाबा साहब अंबेडकर जी की दो बातें हैं जो महिलाओं के बारे में बहुत ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत है। पहली बात ये कि महिलाएं चाहे किसी भी समाज की क्यों ना हो उनके ऊपर अत्याचार और जुर्म जाति उतनी होती है जितनी की दलितों पर होती है या शूद्रों पर होती है। आपको बता दें कि भारतीय जो संस्कृति रही है उसके अंदर आपको बता दें कि सती प्रथा से लेकर कहीं ऐसी आपको प्रथाएं मिल जाएंगी जिससे साफ तरीके से देखा जा सकता है कि जिस तरीके से दलितों को मारा जाता था उसी तरीके से महिलाओं को भी मारा ही जाता था। इसके अलावा बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात और कही थी, जिस समय हिंदू कोड बिल पारित हो रहा था तब उनसे सवाल पूछा गया था महिलाओं को आजादी दिलाकर आप क्या करेंगे, उनको तो सिर्फ चूल्हा चौकी तक ही रहने से मत दीजिए। इस तरीके की बातें जब सामने आई तब बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि मैं इस देश की इस समाज की किसी भी धर्म की हर एक जो व्यवस्था है उसकी उन्नति या प्रगति महिलाओं ने उस समाज की या उस देश की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है उसी से नापता हूँ। यानी कुल मिलाकर कहने का बात ये कि अगर किसी देश की महिलाएं या किसी जाति की या धर्म की महिलाओं ने अगर उन्नति की है प्रगति की है तो यह साफ देखा जा सकता है कि उस देश ने भी उस धर्म ने भी उस जाति ने भी उस मजहब ने भी उन्नति की है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि महिलाओं की उन्नति के बिना इस देश समाज जाति किसी का भी विकास नहीं हो सकता। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर ही पहली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने खुले मन से महिलाओं को बराबरी का हक और अधिकार देने की बात कही थी। महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मैं आप तमाम लोगों को एक बार शुभकामनाएं देता हूं और बाबा साहब अम्बेडकर जी जैसी महान शख्सियत को